सो अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे कि हम इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हिट एंड ट्राई मेथड के अलावा एक प्रॉपर मेथड भी है जिससे इक्वेशंस को बैलेंस किया जा सकता है। सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज आयरन प्लस एच टू ओ, दैट इज एफ ई प्लस एच टू ओ फॉर्म्स एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू। इसके बाद इक्वेशन लेने के बाद सबसे पहला काम, स्टेप वन, हम इन सभी के आगे जो जो हमारे पास एटम्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो भी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं यहाँ पे, सभी के आगे हम अल्फाबेट्स लिखेंगे। हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, एफ ई के आगे ए, एच टू ओ के आगे बी, एफ ए थ्री ओ फोर के आगे सी एंड हाइड्रोजन के आगे डी। ये लिखने के बाद स्टेप टू में हम ये एलिमेंट्स लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एफ ई दैट इज आयरन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट इसके आगे ऑक्सीजन। स्टेप टू में हमने ये एलिमेंट्स लिखे कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट हैं वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे और उनके आगे अल्फाबेट्स लिखेंगे कि वो किन अल्फाबेट्स के साथ प्रेजेंट है, एंड राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड सेम एलिमेंट्स के अल्फाबेट्स लिखेंगे कि वही एलिमेंट राइट हैंड साइड किस अल्फाबेट्स के साथ प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से ये होगा, एफ ई, एफ ई लेफ्ट हैंड साइड पे ए के साथ प्रेजेंट है, एफ ई के नीचे हम लिख देंगे ए इक्वल्स टू। अब अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड एफ ई, तीन एफ ई यानी कि तीन आयरन के वो एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट है एक अल्फाबेट के साथ जो हमने लिखा था, दैट इज सी। इसके अलावा आगे कहीं भी आयरन प्रेजेंट नहीं है, हम लिख देंगे ए इज इक्वल्स टू थ्री सी। थ्री नंबर रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और सी रिप्रेजेंट करता है कि ये एफ ई किस अल्फाबेट के साथ वहां पर राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट था। फर्स्ट एफ ई के लिए हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू थ्री सी। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे है जो हमने लिखा है, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन बी के साथ प्रेजेंट है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे लिख देंगे टू बी इज इक्वल्स टू। अब राइट हैंड साइड भी दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो दोनों हाइड्रोजन डी के साथ प्रेजेंट है, हम लिख देंगे टू बी इज इक्वल्स टू टू डी, और यहां से हमें पता चल जाएगा बी इज इक्वल्स टू डी। नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम देखें तो वो है ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन बी के साथ प्रेजेंट है और सिर्फ वहां पे एक ही ऑक्सीजन है, हम लिख देंगे बी इज इक्वल्स टू। एंड राइट हैंड साइड ऑक्सीजन सी के साथ प्रेजेंट है और यहाँ पे चार ऑक्सीजन है, हम यहाँ लिख देंगे फोर सी। यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज बी इज इक्वल्स टू फोर सी। तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई, दैट इज इन अल्फाबेट्स की इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू थ्री सी, बी इज इक्वल्स टू डी जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, बी इज इक्वल्स टू फोर सी जो हमारी थर्ड इक्वेशन है। हमारे पास यहां पर ए बी सी की तीन इक्वेशन बन चुकी हैं। इसमें अब हम किसी भी एक अल्फाबेट की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे और हम हमेशा ए से स्टार्ट करेंगे ताकि बाकी अल्फाबेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी हो। अगर हम ए को वन पुट करते हैं तो सी हो जाएगा हमारा वन बाय थ्री, कुछ इस तरह से, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू थ्री सी था। इसके बाद सी की वैल्यू अगर वन बाय थ्री है तो बी हमारा हो जाएगा फोर बाय थ्री, जो कि हम थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे, क्योंकि b इज इक्वल्स टू फोर सी था, c की जगह हमने 1 बाय थ्री पुट कर दिया, अब b इक्वल्स टू आ गया 4 बाय थ्री, और b और d आपस में इक्वल है तो d की जगह अब आ जाएगा 4 बाय थ्री। हमारे पास चारों अल्फाबेट्स की वैल्यूज आ गई, दैट इज a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4 बाय थ्री, सी की वैल्यू है 1 बाय थ्री एंड डी की वैल्यू है 4 बाय थ्री। यह हमारी बैलेंसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस अब हमें जो ये ए बी सी डी की वैल्यूज आई हैं इन्हें फ्रैक्शन में से रिमूव करना है, यानी कि इन्हें फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ना। हम यहां से देख सकते हैं कि सभी के नीचे डिनोमिनेटर में थ्री है, हम सभी में थ्री की मल्टीप्लाई कर देंगे और थ्री की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा दैट इज ए जो कि वन था, वन इंटू थ्री इज इक्वल्स टू थ्री, बी जो कि फोर बाय थ्री था, थ्री से थ्री कट हो जाएगा मल्टीप्लाई करते ही, हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू फोर, और हम जानते हैं b और d इक्वल है तो d भी आ जाएगा फोर। नेक्स्ट c था हमारा वन बाय थ्री, वन बाय थ्री में हम थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा वन। हम देख सकते हैं a हमारा आ गया थ्री, b आ गया फोर, c आ गया वन एंड d आ गया फोर। इक्वेशन को हम यहां से बैलेंस कर देंगे। अब हमने जो स्टार्टिंग में अल्फाबेट्स लिखे थे मॉलिक्यूल्स और
एटम्स के आगे उन अल्फाबेट्स की जगह अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह हम पुट कर देंगे 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 3Fe। इसके बाद हम बी की जगह पुट कर देंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4H2O। सी की जगह पुट कर देंगे हम 1Fe3O4। इसके बाद हम लिखेंगे डी की जगह 4, तो ये बन जाएगा 4H2। सो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, सारे नंबर्स उनके सामने आ चुके हैं हर एटम और मॉलिक्यूल के आगे। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको बैलेंसिंग के लिए नंबर्स अज्यूम नहीं करने होंगे, आप इक्वेशन बना के बहुत इजीली किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इस मेथड में सबसे पहले स्टेप 1 में हमें ए बी सी एंड डी एंड ई इस तरह से अल्फाबेट्स पुट करने हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के सामने, या फिर हम कहें कंपाउंड्स के सामने। नेक्स्ट स्टेप में हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो जो एलिमेंट्स या एटम्स यहाँ पर रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड है। इसके बाद उन एलिमेंट्स या एटम्स के नीचे हमें अल्फाबेट्स का यूज करके उन्हें आपस में आमने सामने कंपेयर करना है कि कौन सा एलिमेंट कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, वो हम ए बी सी डी उनके आगे लिख के इक्वल टू के आगे पुट करके कंपेयर करेंगे। इसके बाद हमें इक्वेशंस को इवेल्युएट करना है और सिंपली हमारी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। इस बैलेंसिंग के मेथड से हर टाइप की इक्वेशन बैलेंस हो सकती है, फिर चाहे वो कितनी भी टफ इक्वेशन बैलेंसिंग क्यों ना हो।